नरेंद्र मोदी विचार मंच भारत के जिला अध्यक्ष रमन अस्थाना के नेतृत्व में रविवार को टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश की आजादी में मारे गए भारतीय सैनिकों और 16 दिसंबर 2012 को हुए निर्भया कांड के निर्भया को श्रद्धांजलि दिया। इस अवसर पर नरेंद्र मोदी विचार मंच भारत के कार्यकर्ताओं ने अमर शहीदों को याद करते हुए नारे लगाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नरेंद्र मोदी विचार मंच के जिला अध्यक्ष रमन अस्थाना ने कहा, निर्भया के हत्यारों को फांसी दो, निर्भया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद अमर रहे, अमर अमर रहे, अमर रहे, फांसी दो, निर्भया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रमन अस्थाना जिला अध्यक्ष नरेंद्र मोदी विचार मंच गोरखपुर। आज जानते हैं 16 दिसंबर भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जैसा जानते हैं भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान की एक नजर कश्मीर पे थी, दूसरी नजर पूर्वी पाकिस्तान पे थी। पूर्वी पाकिस्तान पे भाषा के नाम का दोहन हो रहा था, शोषण हो रहा था, तो वहाँ पे विरोध की भावना पैदा हुई थी। भारत ने एक सही अवसर का फायदा उठाते हुए उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और 113 दिन के युद्ध में पाकिस्तान को नतमस्तक किया, उनके 93,000 सैनिकों को मजबूर किया, तब जाकर के बांग्लादेश का जन्म हुआ। उसके बाद 4,000 सैनिक मारे गए थे। हम उनको शहीद दिवस पर उनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ और उस माँ को और नमन करता हूँ जो खुद बहुत खुश नसीब है जो ऐसे 20 संतान को पैदा की था कि जो हमारे देश के मान मर्यादा को ऊंचा पहुंचाया। लेकिन भाइयों भाइयों, जहाँ एक माँ ऐसी है जिसके वीर बालक देश के नाम ऊंचा करते हैं, वही एक ऐसी माँ का करीम दाल का पैदा हुआ था जो 16 दिसंबर 1942 मैं आपकी मां से कहता हूँ, अगर आप अपने बच्चों को संभाल नहीं सकते हैं, देख रेख नहीं कर सकते हैं, शिक्षा नहीं दे सकते हैं, संस्कृति नहीं दे सकते हैं, तो आप बच्चा पैदा करने की नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि शिक्षा और संस्कृति के अभाव में जब भी आपका लड़का प्रवेश पाएगा तो उस संसार समाज के लिए एक कुष्ठ साबित होगा, समाज को बेचैन करता रहेगा। इसलिए स्वच्छ समाज के लिए शिक्षित और संस्कृत होना अनिवार्य है, और अगर नहीं कर सकते हैं तो बच्चा पैदा करने का अधिकार आप नहीं है।